दो आठ पॉइंट दो सत्य सत्य ग्यारह क्वेश्चन पहले आपके साड़ी वो आपको याद होनी चाहिए। कौन सा मान कितने का याद होना चाहिए? इधर देखो ध्यान दो। पहले एक आता है आपके जीरो डिग्री, एक आता है आपके तीस डिग्री, एक है पैंतालीस डिग्री, साठ डिग्री और नब्बे डिग्री। फिर आता है यहाँ पर आपके साइन थीटा, कोस थीटा, टैन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। अब देखो ध्यान दो, सबसे पहले ध्यान दो इधर, ये है आपके जैसे एक बार इधर जीरो वन टू लगातार जीरो लगाना चार तक सबसे हाईएस्ट संख्या है उसका भाग दो, चार 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 का भाग दो। अब इसका भाग देने पर क्या आएगा आपके जीरो, या आएगा एक बटा दो, या आएगा आपके एक बटा दो, दो एकम दो, दो दुनी चार, या नहीं कटिंग संख्या, या क्या बार आपके एक बार एक बटा चार ही जाएंगे सर यहाँ पर। सब पर क्या लगाएंगे हम स्क्वायर रूट, यहाँ में सब पे स्क्वायर रूट लगाएंगे। जीरो का स्क्वायर रूट क्या होता है? जीरो। एक का एक और चार का होता है दो। इसके उत्तर याद लिखना है, एक का स्क्वायर रूट एक ही होता है और दो का होता है अंडर रूट दो, दो का स्क्वायर रूट नहीं तो स्क्वायर रूट दो ही रहेगा। फिर तीन पे हटता है, तीन का तीन ही रहेगा और चार का हो जाएगा दो, और एक का स्क्वायर कितना होता है एक। अगला है आपके कॉस का मान, कॉस का मान अगर आपको ज्ञात करना है तो क्या करना पड़ेगा? साइन 90 माइनस थीटा का मान क्या होता है कॉस, मतलब कि अगर आपको तो ध्यान दो, जैसे मुझे यहाँ पर जीरो लिखना है, क्या लिखना है मुझे याद करना है जीरो डिग्री का मान याद करना, तो जीरो डिग्री जैसे मान लो मुझे जीरो डिग्री, देखो यहाँ अगर मैं जीरो कर दूँ और यहाँ भी मैं क्या कर दूँ जीरो, तो नब्बे में से जीरो गया नब्बे, तो जो जो साइन नब्बे का मान है वही क्या होगा आपके साइन साठ का मान, ये मान रहेगा यहाँ पर, जो साइन नब्बे का मान वही कॉस जीरो का मान, जो साइन नब्बे का मान है वो क्या है आपके कॉस जीरो का मान। अगर मैं यहाँ कितना कर दूँ 30 डिग्री, कितना कर दूँ 30 डिग्री, तो देखो इसका तो 30 डिग्री लेकिन इसका कितना 60 डिग्री, किसका साइन का तो 60 का मान और कॉस का 30 का मान, मतलब तो ये बात साइन तो 60 का मान और कॉस का 30 का मान। अगर मैं यहाँ कितना कर दूँ 45, तो क्या हो जाएगा ये तो हो जाएगा 45, मतलब देखो साइन 45 का और कॉस 45 का मान आपके एक ही होगा, तो ये हो जाएगा आपके एक बटा अंडर रूट दो। ये सूत्र बन गया आपके ज्ञात करने का कि साइन 90 माइनस थीटा का मतलब होता है कॉस थीटा, यहाँ थीटा लिख दो। अब ये वाला मान यहाँ आ जाएगा और ये जीरो आ जाएगा सबसे पीछे। अब है आपके टेन थीटा, टेन थीटा कैसे ज्ञात करते हैं? साइन थीटा में भाग देते हैं कॉस थीटा, ये रहा साइन थीटा और ये कॉस थीटा, जीरो में एक का भाग दो तो क्या आएगा आपके जीरो। इसमें इसका भाग देने पर क्या होता है? दो से दो कैंसिल, ऊपर तो बच जाता है एक और यहाँ बच जाता है अंडर रूट का तीन, तो ये हो जाएगा आपके एक बटा अंडर रूट तीन। इसमें भी भाग देंगे तो ये पूरा पूरा सेम मिल रहा है, इसमें इसका भाग जाता है आपको पूरा पूरा एक बार, यहाँ से दो कट गए ऊपर तो बच गया अंडर रूट तीन और नीचे एक बच रहा है, आप एक लिखो तो राइट हैंड, नहीं लिखो तो भी राइट हैंड, ऐसे लिख भी सकते हो और नहीं भी लिखो तो राइट हैंड। अब एक में जीरो का भाग देगा क्या आएगा आपके लिए? अनंत, क्योंकि जीरो नीचे है तो जीरो का जो भी भाग देते तो हमें से क्या आता है आपके अनंत ही आता है। अब कैसे आता है देखो, जैसे दस में अगर मैं दस का भाग दूँ तो क्या आता है एक, यहाँ संख्या मैंने कम कर दी तो यहाँ उत्तर आपके बढ़ गया, या और कम कर दूं तो उत्तर और बढ़ गया, अब और कम कर दूं तो उत्तर और बढ़ जाएगा,
बटे कितना बढ़ेगा? अनंत, क्योंकि कम तो होगा नहीं उत्तर, क्योंकि जो जो कम कर रहे हैं संख्या जो बढ़ रही है, तो वहां उत्तर क्या आएंगे आपके? अनंत आ जाएंगे। फिर है आपके कॉट थीटा। कॉट थीटा दो तरीके हैं, एक तो है या तो ले लो उसका उल्टा, किस या मतलब क्या होता है टेन का उल्टा होता है, मतलब कॉस थीटा बटा साइन थीटा ले लो, या फिर टेन को क्या कर दो आप उल्टा कर दो, उल्टा कर दो, जीरो का उल्टा क्या होता है अनंत, या फिर ये वाला भी लगा सकते हो आप, इसमें ये भी लगता है और ये भी लगता है, ये कैसे लगाओ ध्यान दो, जो आपके उसके नब्बे का मान का टेन का जो टेन के नब्बे का मान है वो होगा आपके कोट के जीरो का मान, ये आगे आ गया प्रूफ, या इसको उल्टा कर दो या ये या नहीं हो, मतलब ये उल्टा करने पर भी आता है और माइनस करने पर भी आता है, तो लिख सकते हैं यहाँ पर देखो ये भी लिख सकते हो और टेन कोट नब्बे माने थीटा भी लिख सकते हो आप, मतलब टेन नब्बे माने थीटा का मान क्या होता है आपके कोट थीटा, आप माइनस करके भी लिख सकते हो, मतलब ये संख्या यहाँ लाना ये यहाँ लाना ये यहाँ ये लिखना ये तो होता है नब्बे माने थीटा, उल्टा करना दोनों हो रहे हैं, उल्टे भी हो रहे हैं और यानी माइनस करके भी ले सकते हो, ये या इसको उल्टा कर दो या ये वाली संख्या या ले अगर का नाम है जैसे जीरो का उल्टा होता है अनंत, तो अनंत का उल्टा क्या होगा आपके मतलब अनंत मतलब खूब सारा, जीरो मतलब शून्य कुछ नहीं। अब है सेक थीटा, सेक का मतलब क्या होता है आपके वन बटा कॉस थीटा, कॉस का उल्टा ये रहा कॉस, कॉस का उल्टा कर देंगे एक का उल्टा एक, इसका उल्टा क्या हो जाएगा इसका उल्टा हो जाएगा इसका क्या हो जाएगा अच्छा हो जाएगा, या एक तरीका और भी इसका ज्ञात करने का वो तरीका है आपके sec स्क्वायर थीटा बराबर वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा भी होता है, स्क्वायर हट गया या लग गया आपके स्क्वायर रूट, जैसे अगर मैं ये मान लूँ तो ये उत्तर ही आएगा और ये मान लिया तो ये उत्तर, जैसे मान ये मान लिया यहाँ एक आ गया यहाँ भी एक, एक और एक कितना हो गया आपके दो, दो का अंडर रूट ये आगे, अब ये अगर मैं ये लूँ मान ये हो जाएगा एक बटा तीन, एक बटा तीन और एक कितना हो गया चार बटा तीन, चार बटा तीन का अगर अंडर रूट निकालेंगे क्या आएगा दो बटा दो तो निकल जाएगा, ये तीन का नहीं तीन तो यही रहेगा आपका अंडर रूट तीन, एंड जो संख्या लिखेंगे वो यहाँ पर आ जाएगी, जैसे ये इसका अंडर रूट तीन क्या बन जाएगा तीन, तीन और एक कितना हो गई चार, चार का स्क्वायर कितना हो जाता है दो, ये भी लगा सकते हो ये भी लगा सकते हो। अब कोस है मतलब क्या होता है आपके सेक नब्बे माइनस थीटा करो, या फिर क्या कर सकते हो आप साइन का उल्टा, ऐसा भी कर सकते हो, माइनस का मतलब ये संख्या को इधर लाना, या फिर इसका जीरो का उल्टा अनंत, ये संख्या यहाँ लाना, या इसको कर दो उल्टा, एक ही बात है मतलब इधर से इधर लाना मतलब माइनस करने का, अब ये अंडर रूट दो यहाँ आ गया या इसका उल्टा कर दिया, ये देखो ये वाली संख्या यहाँ ले आओ या इसको उल्टा कर दो या आ जाएगा आपके एक, सबसे इजी क्या है देखो ध्यान दो, जीरो का स्क्वायर रूट जीरो, वन बटा दो, एक बटा अंडर रूट दो, इसका हो जाएगा अंडर रूट तीन, चार का क्या हो जाएगा दो, ये हो गया आपके एक, इसको लिखना है उल्टा लिख दिया, अब क्या करना है इसमें भाग दो, जीरो दो से दो कैंसिल, ऊपर बचा एक नीचे बचा अंडर रूट तीन, ये पूरा पूरा कर दिया एक बार भाग गया, ये दो से दो कैंसिल कितना है आपके अंडर रूट तीन बटा एक, एक में जीरो भाग गया है अनंत, अब ये तीनों क्या है इसके उल्टे, ऐसे ये तीनों देर गए ऐसे उल्टे, देखो जीरो अनंत जीरो है अनंत, देखिए क्या हो गया आपके अनंत वन अनंत हो गया, और ये है ये आएगा सबसे नीचे, ये आएगा यहाँ पर, ये पूरे है यहाँ पर आ जाएंगे, ये इसका उल्टा यहाँ पर, ये तीनों उल्टे यहाँ पर, इन तीनों उल्टे यहाँ पर, मैंने ये क्यों लिखे ताकि आपके 8.3 के और 8.4 के सूत्र भी इसके साथ साथ, क्योंकि अगर इस चीज़ को सारणी आती है अच्छी तरह, सारणी ऐसा नहीं कि रट के सारणी नहीं, समझ के अगर सारणी आ रही है तो 8.1 8.2 8.3 8.4 पूरी कंप्लीट, जैसे अभी आपने क्वेश्चन बड़ा था कर ली क्वेश्चन नंबर 8, इसमें लिखा हुआ था कि टेन का मान एक बटा अंडर रूट तीन, फिर हमने निकाला किसका मान साइन और कॉस का मान निकाला था, यही आया था साइन और कॉस का मान, यही आया था एक बटा दो अंडर रूट तीन बटा दो, यानी जो अगर हम मान किसी ले लें कि कोट का मान अंडर रूट तीन है तो बताओ अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात करो, जैसे कल आया था क्वेश्चन अन्य यही होगी सारे सारे दूसरे नहीं आएंगे,
हाँ इसमें से ले लिया के बताओ कि साइन थीटा का मान 1/2 तो ये सारे मान आ जाएंगे, या कोस 60 का मान 1/2 है तो अन्य मान याद करो, अन्य मान सारे यही आएंगे एक ही लाइन में से, क्योंकि यहाँ क्या दे रखा है थीटा दे रखा है, थीटा मतलब यहाँ अगर मैंने 60 कर दिया एक बार तो सब में 60 के मान ही आएंगे, 30 कर दिया तो 30 का मान ही आएगा। ये वाला सूत्र है 8.4 के, ये वाला है, ये वाला सूत्र है, ये वाला, और ये जो माइनस किया है ये सूत्र है आपके 8.3 के, ये वाला 8.3 के माइनस किया जाए। 10 में भी होता है आपके, अगर आपको 10 का मान याद करना है तो क्या कर लो, 90 माइनस थीटा करोगे तो क्या आएगा आपके कॉट आ जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ दे रखा है 30 तो यहाँ कितना आएगा आपके, यहाँ भी 30 तो कितना है 60 डिग्री, यहाँ 30 तो यहाँ भी 30। अब देखो 10 30 में 90 में 30 है कितना है आपके 60, जो 10 60 का मान है वो कॉट 30 का मान है, जो आपके 10 60 का मान है वही आपके कॉट 30 का मान है। तो ये माइनस वाला सिस्टम और भिन्न वाला दोनों में यही लगता है, लेकिन साइन कोस का ध्यान रखना है, साइन में माइनस करने पर तो आता है साइन से कोस और कोस से साइन, माइनस करने पर उल्टा करने पर सीधा क्या देता है आपके कोसे, कोस भी है, घटाने पर तो आएगा साइन और उल्टा करने पर क्या बन जाएगा आपके सेक बन जाएगा। टेन और कोट एक ऐसे नियम है जो घटाने पर भी यही आते हैं उल्टा करने पर भी यही आते हैं, ये भिन्न में भी ले सकते हो और माइनस में भी ले सकते हो, इसका क्वेश्चन भी आता है हर साल एक नंबर, एक क्वेश्चन आता है दो नंबर का जिसमें ये आता है क्वेश्चन आपके 10 यानी 10 45 जो भी है, 10 को 10 को चावल का होता है 10 10 10 लिखा होता है और बाद में लिखा होता है बराबर एक, हर गन्ने हर साल आता है, क्योंकि यही एक ऐसा मान है जो घटाने पर भी रहता है और भाग करने पर भी रहता है। आपको सारणी रट भी सको, रटने से ज़्यादा अगर आप ऐसे अगर मिलोगे सारणी को कि कौन सा इसमें इसका भाग देने पर ही आता है, इसको उल्टा करने पर आता है, इसको घटाने पर भी आता है, इसको उल्टा करने पर और घटाने पर, सेक में क्या है, सेक में वही है, देखो सेक क्या है कोसे का उल्टा है, ये वाला मान ये ले आओ यहाँ पर या कोसे को क्या कर दो उल्टा कर दो, या कोसे का मान यहाँ ले आओ या इसको कर दो उल्टा, या ये मान यहाँ ले आओ इसको उल्टा, मतलब सेक क्या होता है कोसेक में से नब्बे क्या करेंगे माइनस करेंगे तो आएगा, और उल्टा करने उल्टा मतलब भाग में संख्या लेंगे तो ये तो होता है माइनस वाला, ये संख्या यहाँ लाना वो तो होता है आपके माइनस करने के लिए, और ये उल्टा करने के लिए क्या होता है आपके भिन्न, 1/cos बराबर क्या हो जाएगा sec, 1/sec का मतलब क्या होता है आपके cos होता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप सारणी को ऐसे बना सकते हो तो फिर आपके चार प्रश्न कंप्लीट है, 8.1 सबके सूत्र इसी में इस सारणी के अंदर ही उधर।